हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स, आज हम रिपब्लिक डे बनाने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। और रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज 26 जनवरी 2019 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना और लागू होने में मतलब कि मेन चीज़ ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए हमारे लिए काम करता है और आज भी कैसे 70 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रक्षा कर रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है वो सब मेन है, सोचने वाली बात और जानने वाली बात। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे राइट्स आर्टिकल्स और कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए जिसकी वजह से आज हम फ्रीली अपने टेरिटरी में अपने देश में कहीं भी जा पाते हैं, काम कर पाते हैं, किसी से भी बात कर पाते हैं और अपनी भावनाओं को सबके सामने रख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू वॉक, राइट टू फ्रीडम और राइट टू मूव एनीवेयर यू वांट टू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हमारे बेसिक राइट्स हैं। क्या सुनने में और कहने में बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं बट कहीं ना कहीं देखा जाए इनके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। जैसे सांस लेना, खाना पीना और आराम करना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही ये सब राइट्स भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं और इनसे ही हमारी पहचान कहीं ना कहीं मानी जाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ हमारा ही नहीं, कई सारे देशों से मिला के बनाया गया है और इससे इसका बेनिफिट इस चीज़ में देखा जाता है कि हमें हर किसी देश के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है और उनके देश में क्या हो रहा है और किस तरीके से उनका देश चल रहा है उससे भी हमारा देश कहीं ना कहीं प्रभावित है और हमें एक काम करने की प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से हमें अपने देश को और आगे बढ़ाना है। मैं आज 26 18 19 में हूँ और मैं यही चाहता हूँ और मैं सबसे यही कहूँगा कि जिस तरीके से अब तक हमारा देश आगे आगे बढ़ता रहा है उस तरीके से मैं अपने आने वाले जीवन में अपने देश को और आगे लेके जाऊँगा और इसी तरह देश का नाम ऊँचा रखूँगा, अपना नाम ऊँचा रखूँगा, अपने सहपाठियों, अपने हर आसपास के लोगों का नाम आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कानून की पुस्तक को संविधान की पुस्तक कहा जाता है। Respected teachers and my dear friends, जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम यहाँ पर अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये गणतंत्र दिवस हमारे साथ हमारे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक विशेष पर्व है। इसे सभी धर्म, जाति, समुदाय, सभी लोग इसे पूरे हर्षोल्लास और सम्मान से मनाते हैं। लागू करने में सभी क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका रही है और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्हें संविधान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। मुझे गर्व है मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं संविधान में सभी नियमों का, उल्लेखित नियमों का, सभी पूरे संविधान का अपने पालन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस माननीय सर एंड मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज 26 जनवरी जो है गणतंत्र, इसके पीछे लाखों बलिदान और कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और ये दिन हर साल हम मनाते आ रहे हैं। अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब स्वशासित देश नहीं था। 26 जनवरी को भारत स्वशासित देश घोषित किया गया तभी भारत का संविधान लागू, इसलिए हम 26 जनवरी को पर्व के रूप में मनाते हैं। सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे जवान सीमा पर डटे हुए हैं। ये आज़ादी वीरों का बलिदान है, ये राणा का अभिमान है, सेवा का सम्मान है, ये भगत सिंह और बोस की शान है। वो वीर थे, रणवीर थे, फतेह मैदान में करते थे, अबलाओं के लिए नौछावर अपनी जान करते थे। खाक नहीं होने देंगे हम उन वीर जवानों की कुर्बानी को, बर्बाद नहीं होने देंगे इस इतिहास की निशानी को। जौहर को अग्री से खेला वीरांगना बलिदानी को, बचपन में फांसी लटके उस मासूम जवानी को, भूल नहीं सकते हम अंगारों की बलिदानी को, जान मेरी भी अर्पित है भारत की रखवाली को। ऐसे महान क्रांतिकारी और बलिदानों की वजह से हम स्वतंत्रता पाई है, ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए हम उन सभी का आदर से सम्मान करें और माँ भगवती का जय जयकार करें।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आज़ादी में था और इस कंट्री में सब मिलकर के मनाते हैं और आज के दिन हम वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। उन वीरों को मेरा सत नमन और हमें देश से प्रेम करना चाहिए और सब लोगों को आपस में मिल के रहना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद जय भारत। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जय हिंद जय भारत। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। रिस्पेक्टेड टीचर स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको लोगों से आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली कि गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोग इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और सबके विचार से ये पता चला कि सबके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति भरी पड़ी है और ये भी समझ में आया कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति एक दिन में नहीं आती है, ये बचपन से आती है और बचपन से एक भारतीय होने के नाते हम सब लोगों में और आज आप लोगों के बातों से विचारों से ये लग भी गया कि हम सब में क्या है देशभक्ति भरी है। यानी इसका मतलब यह है कि देशभक्ति को एक दिन में नहीं लाया जा सकता। देशभक्ति बचपन से निरंतर एक आने वाली प्रेरणा है, एक जोश है जो हम लोगों के अंदर बचपन से कंटिन्यू आता है। आप सबने बताया कि आज के दिन संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। एकदम सही कहा आप लोगों ने, संविधान लागू हुआ था। अब एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि हम लोग अपने संविधान को बचाकर रखें, संविधान के आदर्शों को बचाकर रखें। अब संविधान का आदर्श क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना जिसको अम्बेडकर अपने शब्दों में कहते हैं कि संविधान की आत्मा है, सोल है। और उस प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणतंत्र, अखंडता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही जरूरी है। भारत आगे भविष्य में निरंतर दुनिया में तभी आगे बढ़ेगा, विश्व शक्ति तभी बनेगा जब हमारे संविधान की आत्मा का मूल तत्व तो लोकतंत्र बचा रहे, गणतंत्र बचा रहे, समाजवादी विचार बचा रहे। तो हम सबको मिलकर आज ये शपथ लेना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में, अपने आने वाले जनरेशन के जीवन में उनसे ये शपथ दिलाएंगे कि हम लोग भारत की संविधान की मूल आत्मा बनाकर रखेंगे और बनाकर रखने में अपना योगदान भी देंगे। एक बार फिर मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं और इस दिन को हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ मनाएं और आगे अपने संविधान की रक्षा का शपथ लें। जय हिंद जय भारत।